hello students and welcome to virtual learning network this is session 16 for store operations and here we will discuss consumerism and ethics in retailing and latest trends in retailing the topics to be covered are concept of consumer service customer service as a part of retail strategy service gaps ethics in retailing corporate social responsibility Global retailing, international retailing, trends of Indian retail industry, and future trends in retailing. Now, first is the concept of consumer service. Consumer service is a task other than proactive selling that involves interactions with customers in person or by telecommunication, mail, or automated process. It is designed, performed, and communicated with टू गोल्स इन माइंड ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर सेटिसफेक्शन सो कंज्यूमर सर्विस जो होता है वो एक टास्क होता है एक प्रोसेस होता है प्रोएक्टिव सेलिंग तो होती ही है लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर्स के साथ हम कैसे पर्सनली या फिर बाई टेलीफोन या टेली कम्युनिकेशन के, के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं या मेल के थ्रू या कोई भी ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू बेसिकली कस्टमर के साथ कैसे इंटरैक्शन की जाती है इसमें मेनली क्या होता है ये किस दो गोल्स के लिए डिजाइंड है फर्स्ट है ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी यानी कि फर्म को कैसे उससे प्रॉफिट इनकर होगा और दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फर्म को प्रॉफिट नहीं इनकर होगा देन कस्टमर सर्विस इज अ सम ऑफ एक्टिविटीज दैट आर टेकन अप बाय द रिटेलर टू सर्व द कस्टमर एंड टू मेंटेन अ लाइफ लॉन्ग रिलेशन कस्टमर सर्विस होता है एक्टिविटीज़ का सम होता है सारी एक्टिविटीज़ को मिला के कस्टमर सर्विस बनती है और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये रिटेलर यूज़ करता है रिटेलर परफॉर्म करता है ताकि लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन सके कस्टमर के साथ कस्टमर सर्विस इज़ यूजुअली इंटरचेंज विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन देन कस्टमर सर्विस एज अ पार्ट ऑफ रिटेल स्ट्रैटेजी वेना कस्टमर

महसूस करता है कि कैसा उसका टच है कैसा फील है कैसी उसकी एम्बियंस है इससे उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है रिटेलर की और जिससे कि बाद में ट्रस्ट डेवलप होता है सो रिटेलर्स नीड टू फोकस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स दे आर बाइंग हैबिट्स मोटिवेटिंग फैक्टर्स एट्सेट्रा द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू क्रिएट सम प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टिंग डिस्टिंगटिव सर्विस एज फॉलोज फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई दी की कस्टमर्स एंड कीनली लिसन टू देम एंड रिस्पोंड की कस्टमर्स जो उनके मेजर कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें जो भी उनकी क्वेरीज है उनको ढंग से सुने एंड देन रिस्पोंड टू देम बेस्ड ऑन ऑल दीज दे नीड टू डिज़ाइन देयर कस्टमर सर्विस स्ट्रैटजी देन नेक्स्ट इज डिफाइन सुपीरियर सर्विस एंड इस्टेब्लिश अ सर्विस स्ट्रैटजी कि कैसे वो कस्टमर्स को सर्विस देंगे उसको उसकी भी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि उनकी सर्विस सबसे सुपीरियर हो एंड दे विल गेट दी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर दिस देन सेट स्टैंडर्ड्स एंड मेजर परफॉर्मेंस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द की कस्टमर्स डिफाइनिंग दी सुपीरियर सर्विस स्ट्रैटेजी दे शुड बी लिंक्ड अप विद टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड रिटेलर्स शुड बिल्डअप अ सिस्टम टू कैप्चर एनालाइज मैनेज एंड ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन वेरियस पैरामीटर्स सो परफॉर्मेंस जो उनकी है रिटेलर्स की उनके इम्प्लॉइज़ की उसको मेजर करना ज़रूरी है और इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए ताकि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए उससे कंपेयर कर सके ताकि परफॉर्मेंस इवेलुएट हो सके देन सेलेक्ट ट्रेन एंड एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ टू वर्क फॉर दी कस्टमर्स टू प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर सर्विस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ और एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ कब होंगे जब उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करेंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि बेसिकली हमारा मिशन क्या है देन रिकोगनाइज एंड रिवॉर्ड अकम्पलिशमेंट रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आर की फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द इम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट जनरली आर ऑफ मॉनिटरी काइंड एंड रिकॉग्निशन जनरली इज नॉट अ मॉनिट्री बेनिफिट सो रिवॉर्ड्स और अकम्पलिशमेंट्स देना रिवार्डस और उनको रिकोग्निशंस देना जरूरी होता है तभी इम्प्लॉयिज मोटिवेट हो सकते हैं सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी फॉर कस्टमर सर्विस नेक्स्ट इज सर्विस गैप्स द गैप्स बिटवीन द परसीव्ड क्वालिटी बाय द कंज्यूमर एंड द एक्चुअल सर्विस ऑफर्ड बाय द रिटेलर इज नोन एज द रिटेल सर्विस गैप तो कंज्यूमर्स को हमने जो कहा है और जो हम एक्चुअली उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं रिटेल सर्विस गैप एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप्स नॉलेज गैप स्टैंडर्ड गैप डिलीवरी गैप कम्युनिकेशन गैप नॉलेज गैप इज दी

स्टैंडर्ड गैप होता है कि क्या मैनेजमेंट सोचता है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता होगा और उसके हिसाब से जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए या नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे उन दोनों में जो गैप होता है दैट इज स्टैंडर्ड गैप देन डिलीवरी गैप डिलीवरी गैप एवरी इंडिविजुअल हैव हिज और हर ओन स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब इंस्पाइट ऑफ सेम स्टोर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स द डिलीवरी मैकेजम फ्रॉम वन पर्सन में डिफ़र विद दी अदर समटाइम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाई द सेम इंडिविजुअल में डिफर ओवर टाइम सो अगर एक ही इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो सर्विसेज का डिफरेंस है जो वो स डिफरेंस आता है दैट इज डिलीवरी गैप कि कैसे हम सर्व कस्टमर uh, को सर्व कर रहे हैं जो उनके बीच में डिफरेंसेज आते हैं नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज दैट द फर्म प्रामिसज इट विल डिलीवर थ्रू इट्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड द सर्विसेज दैट इज एक्चुअली डिलीवर्ड कम्युनिकेशन गैप होता है जो इंटरैक्शन के बीच में गैप आता है कि जो फर्म ने प्रामिस किया है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी लेकिन जो एक्चुअली में वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है इन दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज कम्युनिकेशन गैप नेक्स्ट इज एथिक्स इन रिटेलिंग There are a number of areas where the retailer must develop a set of values and follow it up with appropriate behaviour. So, the various constituencies which a customer has to look for setting ethical standard are फर्स्ट इज कस्टमर द रिटेलर नीड्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कस्टमर रिटेलर को ये जरूरी है कि वो कस्टमर के राइट्स को समझे और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके दो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडियन लीगल सिस्टम मोस्ट ऑफ द कस्टमर आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सेकेंड इज कम्युनिटी एंड दिनरल पब्लिक रिटेलर शुड डेवलप सम कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शुड एम फॉर प्रमोशन ऑफ सम नोबल कॉज तो रिटेलर की कुछ कम्युनिटी के तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसे कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो रिटेलर को ऐसी रिस्पांसिबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए देन इम्प्लॉयज़ इट इज़ द एथिकल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू टेक केयर ऑफ इम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन दे शुड हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद सेफ गार्डस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंप्लॉयज एंड वर्क फोर्स सो एक एथिकल इम्प्लॉयज़ की तरफ भी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे वो इम्प्लॉइज़ के वर्किंग एनवायरनमेंट का ख्याल रखे देन बिज़नेस पार्टनर्स रिटेल बिज़नेस इज़ एसोसिएटेड विद मेनी पार्टनर्स सच एज सप्लायर्स लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस मनी लेंडिंग बैंक्स एंड अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल दिस ट्रांजेक्शन शुड बी टेकन प्लेस इन गुड विल एंड इन अ ट्रांसपेरेंसी मोड तो जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो वो ही अच्छा होता है दैट इज द्स इन रिटेलिंग कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे कुछ भी चीज़ छुपाई ना जाए देयर शुड भी अ ट्रांसपेरेंसी मोड बिटवीन दैम देन शेयर होल्डर्स रिटेलर शुड कैरी आउट द बिजनेस कन्फर्मिंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस इन द इनवामेंट ही ऑपरेट्स तो रिटेलर्स जो है वो बिज़नेस जो होता है वो जब कैरी आउट करते हैं तो वो होता है कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन्द होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसी एनवायरनमेंट में कैरी आउट होना चाहिए नेक्स्ट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सी एस आर दिस पॉलिसी इज अ फंक्शन विच इज़ बिल्ट इन सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म वेयर बाय बिजनेस वुड मॉनिटर एंड एंश्योर इट्स सपोर्ट टू लॉ एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स कि कुछ लॉज होते हैं जिनको वो सपोर्ट करे एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी और इंटरनेशनल नॉर्म्स उनको अध्ययन करके जब कोई भी रिटेलर अपना बिजनेस चलाता है तो वो होती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द स्ट्रैटीज़ फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फर्स्ट इज द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लोजली पोस्टर्ड एंड स्टांसड विद द कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके मिशन और ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही होने चाहिए उनको कोई हार्म ना हो ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव और मिशन होना चाहिए देन इट शुड इंश्योर दैट वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पांसिबल पॉलिसी इज़ कैरिड आउट देयर इज सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेंड दैट इज स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एज अ बेनिफिट टू दी कंपनी ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है कि जो भी हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं उससे हमें कॉम्पिटेटिव एडवाटेज मिले और कंपनी को बेनिफिट हो देन रिटेलर्स शुड वॉल्टरली गो फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स रिटेलर्स भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स वॉल्टरली इशू कर सकते हैं जैसे कि दे कैन बी एसोसिएटेड विद एनी एन और वो खुद से या अपना एन बना सकते हैं या किसी एन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं नेक्स्ट इज ग्लोबल रिटेलिंग नाउ विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अ सडन एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन इंडियन ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर इज सीन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आता गया इंडिया में वैसे ही रिटेल सेक्टर में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे मैनी फॉरन ब्रांड्स प्रोडक्ट्स आर ईजीली अवेलेबल इन इंडियन रिटेल मार्केट्स फॉर एग्जाम्पल द फास्ट फूड जॉइंट्स लाइक के एफ सी मैकडोनल्ड आउटलेट्स आर सीन इन ऑल मेजर सिटीज सो नाउ लेटेस्ट कंसिडर दी पुष एंड पुल फैक्टर्स फॉर ग्लोबल रिटेलिंग ये कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल रिटेलिंग को इन किसी भी कंट्री की तरफ खींचते हैं सो फर्स्ट इज द पुश फैक्टर्स डेट इज सैचूरेटिड होम मार्केट और स्ट्रॉग कॉम्पिटिशन इन होम मार्केट इकोनॉमिक रिसेशन और लिमिटेड कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रिक्ट प्लानिंग पॉलिसीज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेशर फ्रॉम शेयर होल्डर टू मेंटेन कंटिन्यूस प्रॉफिट पोटेंशियल एंड फेवरेबल मार्केट कंडीशंस जब मार्केट कंडीशंस फेवरेबल होती है या प्लानिंग पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती हैं तो दीज आर पुश फैक्टर्स जो किसी भी रिटेलर को ग्लोबल मार्केट की तरफ पुश करती है कि वो अपनी कंट्री से बाहर निकल के बाहर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे द पुल फैक्टर्स आर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ सम मार्किट्स और वीक कॉम्पिटिशन विद इन द स्ट्रॉग इकोनॉमिक ग्रोथ अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो रिलैक्सड है या ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फेवरेबल और ट्रेडिंग रिस्क एसोसिएटेड विद जोग्राफिकल लोकेशन वेयर दी बिजनेस इज ऑपरेटिंग सो इन सब फैक्टर्स में जो रिटेलर्स होते हैं वो पुश होते हैं कि वो पुल होते हैं कि किसी भी कंट्री की तरफ कि वहाँ पर वो फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सके Next is international retailing. <coughs> the management of retail operations in markets which are different from each other in their regulation, economic development, social condition, cultural environment, and retail structures. So, based on the legal regulation, like foreign direct investment policies. ऑफ अ कंट्री इन विच रिटेलर वॉन्ट्स टू ऑपरेट ही कैन स्टार्ट एंड ऑपरेट हिज बिजनेस जैसे अब जो भी रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं उसके अंदर रहते रहते वो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिटेलर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और जो रिटेल ऑपरेशन की मैनेजमेंट होती है वो अलग अलग मार्केट्स में डिफरेंट होती है कॉमन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़ आर फर्स्ट इज एक्विजिशन टेकिंग ओवर ऑफर रिटेल कंपनी विच इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन मार्केट एक्विजेशन होता है कि किसी रिटेल कंपनी को टेक ओवर करना देन जॉइंट वेंचर इज़ इस्टेबलिशिंग अ कंपनी विद पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप में अगर कंपनी शुरू करें दैट इज जॉइंट वेंचर ऑर्गेनिक ग्रोथ ओपनिंग न्यू आउटलेट्स यूजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड और फेशिया और क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांड ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को ही यूज करके एक नया आउटलेट ओपन करना दैन शेयर होल्डिंग एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ रिटेलर ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन द चोजन मार्केट कि एक रिटेलर जो ऑलरेडी जिसका बिजनेस स्टेब्लिश्ड है उसके शेयर्स को खरीदना एंड फ्रेंचाइज फ्रेंचाइजिंग इज़ दी प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अनदर अनादर फर्म सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कि किसी दूसरे फर्म का सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को यूज़ करना ऑपरेटिंग अ बिजनेस अंडर सिंगल ब्रांड विच इज़ ऑपरेटेड अंडर सर्टन कंट्रोल्ड कंडीशंस

नेक्स्ट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग नो फर्स्ट इज नो मोर कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइज फिट फॉर ऑल इंडिविजुअल रिटेलर्स विल अडॉप्ट अ मोर रॉबर्ट पोर्टफोलियो अप्रोच टू मार्केट टू अपील विद मल्टी डायमेंशनल माइंड सेट ऑफ कंज्यूमर्स सो जो रिटेलर्स है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग अप्रोचेस को फॉलो करते हैं री कॉन्सेप्ट देन री मॉडलिंग लार्ज एंड मास मर्केंडाइज स्पेशलिटी स्टोर्स विल बी कंप्रेस ड्यू टू कंप्रेस्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स चेंजेस रिटेल कॉन्सेप्ट एंड मॉडिफाइड ब्रांड्स नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस एक्सेल्स एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग विल मेक्स कंटेंट एंड कॉमर्स एज नेवर बिफोर एक्सपीरियंस जो होता है रिटेलर्स का वो उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है देन रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शो इट्स प्रेजेंस इन इलेक्ट्रॉनिक अगर इंटरनेट के रेवोल्यूशन की वजह से जो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से भी रिटेलर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है देन रिटेलिंग दैट इज़ ई टेलिंग इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली अगर रिटेल करें दैट इज़ ई टेलिंग दिस रिजल्टड इन मोर एक्शन फॉर दैन ट्रांजेक्शन ई टेलिंग इम्पैक्ट विद एक्सटेंड बीन्ड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिटेल सेल्स विच विल रिमेन अ रिलेटिवली माइनर शेयर ऑफ टोटल ई रिटेलिंग का हम एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है ओ एल एक्स डॉट कॉम है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ई रिटेलिंग के देन ट्रेंड्स ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री दो रिटेलिंग इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया टिल नाइनटीन एटीज इंडिया इज नोन मोस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज मॉम एंड पॉप किराना स्टोर 1980 से पहले जितने भी रिटेलर्स थे वो सारे किराना स्टोर्स ही थे देन मैनी चेंजेज़ आर सीन इन रीसेंट पास राइट फ्राम फॉर्मैट्स टाइप ऑफ ट्रेड कैरेड आउट ओनरशिप एट्सट्रा अलग अलग फैक्टर्स अगर हम देखें तो सारे ही काफ़ी चेंज हो गए हैं जैसे कि फॉर्मेट्स जो पहले थे उससे काफ़ी डिफरेंट आ गए हैं ट्रेड कैसे कैरी आउट करना है उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हमें नज़र आती हैं और ओनरशिप में भी अलग अलग वेज नज़र आते हैं ऑल दीज चेंजेस आर सीन ड्यू टू फेवरेबल

to the consuming class with the income growth in income levels and globalization liberalization privatization and globalization led to the awareness of global markets and products growing media penetration is leading to a convergence of aspirations of various classes of consumers bridging the rural urban divide so ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इंडिया में जैसे ही ग्लोबलाइजेशन जब आया था और प्राइवेटाइजेशन हुई थी एंड जब लिबरलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे भी रिटेलर्स ने बाहर के रिटेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट की थी और अब भी एफ फेवरेबल हैं इंडिया की कंडीशन अगर देखे तो और इंडिया में जितने भी लॉज है उसके हिसाब से सो टू दी Changing and latest trends of retailing are due to the following factors globalization concept, favorable demographic factors, changing, consumer dynamics, improved technology, impact of media, exposure to global markets, e-commerce, e commerce, e -commerce hassle-free shopping with plastic money and virtual banking applications.

रिटेलिंग करते हैं एंड नॉन स्टोर रिटेलर्स होते हैं जैसे टेली मार्केटिंग ई कॉमर्स ई टेलिंग ये सारे नॉन स्टोर रिटेलर्स हैं एंड ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स इन इंडिया इंक्लूड किराना स्ट्रीट मार्केट्स एक्सक्लूसिव मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स एंड मॉडर्न फॉर्मेट्स इंक्लूड सुपर मार्किट्स हाइपर मार्किट्स डिपार्टमेंटल स्टोर स्पेशलिटी चेन्स कंपनी ओन्ड और ऑपरेटेड सच एज बाटा एंड सोनी नेक्स्ट इज इंडियन रू रूर रूरल मार्किट अपॉर्चुनिटी ना ओ दी प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्किटिंग आर दैट दे आर अंडर डेवलप्ड पीपल मार्किट्स लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रूरल इन्वायरमेंट में क्या होता है अंडर डेवलप्ड मार्किट्स होती हैं कम्युनिकेशन फ़ैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती मीडिया रीच प्रॉपर पुअर होता है नेटवर्क वहाँ तक ठीक से नहीं पहुंचता एंड दे हैव मेनी लैंग्वेजेज एंड डायलैक्ट्स डिस्पर्स्ड मार्केट होती है कोई कहीं पे है कोई कहीं पे देर पर कैपिटल इनकम इज लो तो वो ज़्यादा प्राइस के प्रोडक्ट्स uh, अफोर्ड नहीं कर पाते एंड लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी दे डोंट हैव सो मच अवेयरनेस कि उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट

काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इतनी प्रॉपर नहीं है कि उन विज़ेज़ में प्रोडक्ट पहुँचाया जाए तो इसलिए अवेलेबलिटी में प्रॉब्लम आती है सेकेंड इज़ अफोर्डेबिलिटी विद लो डिस्पोजेबल इनकम्स प्रोडक्ट्स नीड टू बी अफोर्डेबल टू दी रूल रूरल कस्टमर वहाँ की पर कैपिटा इनकम लो होती है पीपल जो है उनके पास ज़्यादा काम नहीं है तो इसलिए वो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते सो सम कंपनीज़ हैव एड्रेस दी अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम बाई इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल यूनिट पैक्स

प्रोवाइड करती है आइस बॉक्सेस या फिर जो सीजनल आउटलेट्स हैं उनके लिए थर्मोकोल बॉक्स प्रोवाइड करती है ताकि जो ड्रिंक्स हैं वो कूल रहें देन अवेयरनेस मास मीडिया इज एबल टू रीच ओनली फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो बाकी की पॉपुलेशन है वो अभी भी अवेयर नहीं है किसी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में रिटेलर्स के बारे में सो क्रिएटिंग अवेयरनेस देन मीन्स यूटिलाइजिंग टारगेटेड अनकन्वेंशनल मीडिया इंक्लूडिंग एम्बियट Media for generating awareness, events like fairs and festivals, had, etc., are used as occasions for brand communication. Now, issues in retail Indian retail industry. First is Restrictions on FDI FDI pe kaafi restrictions are Recent indi indications that the government is considering foreign direct investment in retail have sparked off a debate on the advisability and consequence of this policy. दीज आर देर आर बहुत प्रोज एंड कॉन्स इन रेगुलेटिंग दी एग्जिस एफ डी आई पॉलिसीज विच आर डिबेटेड ऑफ एन सो एफ डी आई पे रेस्ट्रिक्श हैं इंडियन गवर्नमेंट ने अब कंसिडर करना शुरू किया है एफ डी आई को लेकिन इस पर भी डिबेट हो गई है कुछ इसके खिलाफ है कुछ इसके फेवर में है और इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ही है अगर एफ डी आई को ज़्यादा हम इन्वेस्ट करने देंगे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी उनका शेयर ज़्यादा हो जाएगा तो जो छोटे छोटे स्टोर है जैसे किराना स्टोर हैं जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा देन लैंड एंड प्रॉपर्टी लॉस देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी रिटेल स्पेस एंड रेंट्स आर हाई फॉर वट इज़ अवेलेबल तो प्रॉपर्टी लॉस और लैंड लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक से प्लान नहीं है सो so, जैसे कि रिटेल स्पेस वैसे भी बहुत कम अवेलेबल है और जो अवेलेबल है उसमें रेंट बहुत ज़्यादा है देन लेबर लॉस द लेबर लॉस इंस्टीट्यूटेड टू प्रोटेक्ट स्टोर Workers are not flexible enough to support the modern format of retailing. These rigidities in the law constrain the op operations of modern retail outlets. Then, taxes effective corporate tax rate is 36.59% for a रिटेल कंपनी एंड 41.82 परसेंट फॉर दी फॉरेन कंट्री तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है इवन असेंशियल बेसिक फूड आर टैक्सड जो फूड स्टफ्स हैं उन पे भी टैक्स लगता है तो so, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए देन द रेवोल्यूशन अहैड लास्ट फ्यू ईयर्स हैव सीन रेपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनी एरियाज लाइक स्केलेबल एंड प्रोफिटेबल रिटेल मॉडल आर वेल इस्टेब्लिश फॉर मोस्ट ऑफ दी categories indian consumers are rapidly evolving and expecting accepting modern formats overwhelmingly retail space is no more a constraint and indian, india is on the radar of global retailers next is future trends in retailing first is smart shopping the trends of shopping are changing rapidly consumers will embrace new technology that give them बेटर इंफॉर्मेशन एंड मोर कंट्रोल ओवर दी शॉपिंग प्रोसेस सो अब जो कंज्यूमर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजीज यूज करके स्मार्टली शॉप कर रहे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स देन स्मार्ट स्टोर्स रिटेलर्स न्यू टेक्नोलॉजीज टू ड्राइव ग्रेटर स्पेस एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एम कॉमर्स मोबाइल्स है कम्युनिकेशन एस वे नाउ दे आर used in business also more b2b than b2c is used for the rest of the decade the selling of products and services via mobile devices will remain largely elusive then global land rush despite a growing world tension the strong interest that business has in future liberalization international borders will prevail and with the global land rush will result to retail oligopoly retailers act like suppliers रिटेलर्स अब सप्लायर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं एज रिटेलर ग्रो एंड बिकम मोर ग्लोबल दे सील ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई देन ब्रांड शेयरिंग रिटेलर्स विल प्लग इन टू ईच अदर शॉपर बेस एंड लेवरेज लोकेशन स्ट्रेंथ थ्रू इनोवेटिव स्टोर विद इन द स्टोर स्टोर्स के अंदर स्टोर यानी कि एक स्टोर के अंदर दूसरा स्टोर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं जिसमें अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें वो बेच सकें पार्टनरशिप में जा रही है ब्रांड शेयरिंग हो रही है और स्टोर विद इन अ स्टोर स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं सप्लायर्स टर्न टू बी रिटेलर्स जो द इंटीग्रेटिंग ऑफ सप्लाई चेन इज़ ऑलरेडी सीन इन रिटेलिंग कि सप्लायर्स जो है वो रिटेलर्स में टर्न हो रहे हैं और वो अपने गुड्स को खुद कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं देन कंज्यूमर बिकम मोर डामिनेंट इन अ बायर मार्केट वेयर द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द डायनिक्स ऑफ द बायर सेलर इंटरफेस दफ बायर सेलर इंटरफेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटेलर एंड कंज्यूमर विल बिकम मोर सिमेट्रिकल एंड इफ एनी थिंग चेंजेस इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर सो कंज्यूमर ज्यादा डोमिनेंट बन रहा है कंज्यूमर सेटिसफैक्शन की तरफ रिटेलर ज्यादा ध्यान देते हैं दैट्स ऑल फॉर दिस से थैंक यू हैवे नाइस डे